सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आई थिंक सभी अच्छे होंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीटेक का फर्स्ट राउंड आ चुका है और ज़्यादातर जिन बच्चों को सीट मिलनी थी उनको सीट मिल चुकी है। मैंने जैसे कई पहले भी आप लोगों से कहा था कि लास्ट ईयर का कट ऑफ और इस ईयर का जो कट ऑफ है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होने वाला है, तो वो आप लोगों को शायद दिख भी रहा होगा। कट ऑफ भी आ चुका है, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि जनरल में कुछ बच्चों को 23,000 तक जिनकी रैंक है उनको सीट मिली है। इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस का आपको आइडिया सभी को होगा ही, 7,000 के आसपास तकरीबन 2,400 जिनकी रैंक है उनको सीट मिली हुई है। ठीक है, तो ये एक कट ऑफ का रफली आइडिया है, लेकिन लास्ट ईयर की कट ऑफ और इस ईयर वाली जो कट ऑफ है उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। इवन कुछ बच्चों का वैसे जो कट ऑफ ऑफिशियल कट ऑफ है वो 23,000 के आसपास है जनरल का, लेकिन कुछ बच्चों का 30,000 पर भी हुआ। वो कैसे हुआ वो बात की चीज़ है। तो अब आज मैं जो अभी डिस्कस करने वाला हूँ, मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि किस किस रैंक के बच्चों ने इसमें अप्लाई किया है, कौन कौन सी रैंक, तो उसको आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका नेक्स्ट वाले राउंड में होने वाला है या नहीं होने वाला है। अगर मैं बात करूं तो ये अप्रॉक्सीमेट हमने डेटा निकलवाया है सूत्रों से। जिन बच्चों की रैंक 1,000 से और 30,000 तक के, ऐसे करीब 400 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। अब इसमें आप समझ गए होंगे, 400 बच्चे थे जिनकी रैंक 1,000 से 30,000 तक के आसपास थी, ऐसे करीब 400 के आसपास बच्चे। जिन बच्चों की रैंक 30,000 से लेकर 70,000 तक है, ऐसे करीब 1,135 बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया। जिन बच्चों की रैंक 70,000 से लेकर 80,000 तक है, ऐसे करीब 1,400 के आसपास बच्चे हैं। अब आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि अगर आपकी रैंक ठीक है 70,000 से 80,000 तक है तो 1,400 बच्चे ऐसे, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। 1400 बच्चे हैं, वैसे 1135 बच्चे हैं। जिनकी रैंक 80,000 से लेके 90,000 के बीच में, ऐसे करीब हमारे 2100 के आसपास बच्चे हैं। बाकी 90,000 से ऊपर कैटेगरी वाले बच्चे जो बचते हैं जिन्होंने भी फॉर्म फिल किए, तो ये अप्रॉक्सीमेट आपका डेटा है। इससे ऊपर बाद में बताएंगे कि कितने स्टूडेंट हैं, तो आपको लग सकता है कि और सीट कितनी है, 450 के आसपास सीट है। सबको आइडिया है कि कितनी सीट है, ठीक है, तो उस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होने वाला। कट ऑफ इस बार वाला और लास्ट ईयर वाले कट ऑफ में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ आपको, ठीक है। इसमें जैसे बाकी अदर्स कोटा भी है, CW कोटा, उसके करीब 350 के से ऊपर बच्चों ने फॉर्म फिल किए, तो इस टाइप से फॉर्म फिल किए हुए हैं, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेट डेटा है, और आपको पता ही होगा कि कैड अगर OBC की बात करें तो 67 के आसपास इसका कट ऑफ गया इस बार OBC वालों का। अब आप ये देख लो 67, और अगर आपकी रैंक 67 के आसपास का कट ऑफ है, और अगर आपकी रैंक 67 से अगर बच्चों की हम बात करें ना, अब देख लो आप करीब 1400 के आसपास बच्चे हैं। अगर 80,000 तक आपकी रैंक है या 90,000 तक रैंक है तो करीब वही 3,000 के आसपास बच्चे होते हैं, तो 3,000 में आपका कहीं नंबर आएगा या नहीं आएगा, ये अब आपको देखना, ठीक है। तो ये डेटा है, इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं आपका होगा या नहीं होगा। अगर आपका लगता है नहीं हो रहा तो एक बार हमारी टीम के साथ 9999022447 पर कोऑर्डिनेट करें, वी विल हेल्प आउट यू। वैसे 67,000 OBC का कट ऑफ है जो कट ऑफ गया हुआ है, जो आप ऑफिशियल साइट की बात कर रहा हूँ जो दिख रहा है, लेकिन इसमें 73,000 वाले बच्चे का भी हुआ है, 83,000 वाले का भी हुआ है, वो कुछ और तरीके से हुआ है, मतलब कोई कोटा वोटा दूसरे कोटा होते हैं जो शायद इसमें मेंशन नहीं है। तो अब आपको एक क्लियर आइडिया लग गया होगा कि आपका होने वाला है या नहीं होने वाला है। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जिन बच्चों का हो गया उनको वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ITR वगैरह आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद जय भारत।